मना है दफरोज आपका केकेआर न्यूज़ में स्वागत करती हूँ। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के आह्वान पर व्यापारियों के द्वारा किए गए बंद का असर जबलपुर में साफ तौर पर देखा गया। जबलपुर के दो बड़े व्यापारिक संगठन जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने व्यापारिक बंद का समर्थन किया। इस वजह से जबलपुर में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद थे। दुकान, शोरूम, रेस्टोरेंट और सभी दुकान बंद थी। किसी भी व्यापारी ने अपना कारोबार नहीं किया और न ही दुकानों के शटर खुले। सड़कों के किनारे लगने वाली छोटी दुकानें और गुमटी भी बंद थी, जिसका जनजीवन पर सीधा असर पड़ा। व्यापारियों ने GST अकाउंट पर लॉगिन भी नहीं किया, जिससे सरकार को टैक्स भी नहीं मिला। सुबह से ही व्यापारी संगठन के पदाधिकारी सड़कों पर निकले और उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से व्यापारियों से अपनी दुकानें बंद रखने का आह्वान किया। व्यापारियों ने केंद्र सरकार के द्वारा GST में किए जा रहे संशोधन और ई कॉमर्स कंपनियों के द्वारा बाजार पर कब्जा किए जाने के विरोध में नारेबाजी की। व्यापारियों ने कहा, जब तक GST में सुधार और ई कॉमर्स कंपनियों पर लगाम नहीं लगाई जाती, तब तक पूरे देश के व्यापारी इसी तरह से एकजुट होकर विरोध जताते रहेंगे। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। हमारी शांतिपूर्वक हड़ताल है, ये पूरे भारतवर्ष में चल रही है और जबलपुर बंद का हमारे को सभी व्यापारी संगठनों ने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया है। हम तो बंद का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन व्यापारी बंदियों ने इनको महाबंद में बदल दिया। मैं सभी व्यापारी बंधुओं का आभार प्रकट करता हूं और ये दर्द जो है और जो सब संगठन इकट्ठे हुए हैं, ये हर एक व्यापारी का दर्द है। जब हमने ये दर्द सुना, व्यापारियों से मिले, तब हमें समझ में आया वो अपने को अकेला महसूस कर रहे थे। आज कोई संस्था है जो सामने आई है, निश्चित ही कुछ लोगों को सामने आना पड़ता है। हमारे चंद 25 से 30 संस्थाएं सामने आई हैं, इसमें एकजुट होकर जो जबलपुर बंद का जो इन्होंने एकजुट होकर व्यापारी संगठन का जो मैसेज भेजा है पूरे जबलपुर बंद में, तो मैं इन सभी का आभार प्रकट करता हूँ और हमारा शांतिपूर्वक बंद पूर्ण रूप से महाबंद में बदलने जा रहा है। किन विसंगतियों को लेकर आप लोगों का विरोध है क्या? ये हमारे को GST में जो 937 बार जो संशोधन किए गए हैं और आने वाले टाइम पे जो संशोधन हुए हैं, उसमें व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए नहीं किए गए हैं। उनको आने वाली प्रॉब्लम्स इतनी हैं कि उनको जेल जाने तक के, GST कैंसिल करने तक के, उनके अकाउंटेंट, उनके CA, उनके एडवोकेट्स तक को नोटिस भेज के जेल भेजने तक के जो प्रावधान नए जोड़े गए हैं, उसके विरोध में हम सभी व्यापारी और CA एसोसिएशन और टैक्स बार एसोसिएशन भी हमारे सब साथ में है। ये दर्द सभी का है, हम व्यापारियों से जुड़े सभी लोगों का दर्द है ये, और सरकार को ये नीतियों में सुधार करना होगा, हमारी आवाज़ों को सुनना होगा, नहीं तो इसके बाद हमारे और भी तरह तरह के आंदोलन रहेंगे। हम लोग सभी व्यापारी GST भरने भी भविष्य में बंद करने वाले हैं, जिससे सरकार को अर्थव्यवस्था की आने वाले समय पे प्रॉब्लम्स होंगी। हम लोगों की आगे की भी बहुत प्रॉब्लम्स, आगे भी नीति हम लोगों ने बना रखी है, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग, अब व्यापारी लोग कमर कस चुके हैं इस पर। मैं दीपक सेठी, कैट जबलपुर अध्यक्ष। ये थी आज की कुछ खबरें। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।